हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5, इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर रहे थे। इससे पहले वाला देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सोल्व कर दिया था। इसका वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको देखना होगा ये तो मतलब समझना होगा, दिख तो यहाँ पर आई है। अब आगे आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। देखिए अब इसको सोल्व करना है, तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए भी पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो ये इसको अगर ए मान लेते हैं तो ये हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि 3 और अंडर थ्री दो अलग नंबर हैं। और वैसे ही ये हो जाएगा हमारा सी माइनस ई हो जाएगा डी, नहीं सी और डी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 है, तो ये भी हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि ये अंडर थ्री है तो ये भी अंडर थ्री, तो ये बी बराबर बी अंडर थ्री के बराबर हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें ए कितना दे रखा है 3, और बी हो गया हमारे पास अंडर रूट 3। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे अब इसमें, तो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस अंडर रूट 3 का हो गया 3, तो 9 में से 3 गए तो बचेगा 6। तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा, आसान है। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैप्टर के और भी आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चनों के आंसर डाल रखे हैं। और किसी और क्वेश्चन में भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाय।